21 अगस्त रात तकरीबन 10:30 बजे रोहतक की मानसरोवर कॉलोनी में महज 11 साल की बच्ची को गन पॉइंट पर रखकर हथियारबंद बदमाशों ने घर पर रखे कैश और ज्वेलरी के बारे में पूछा। मेरे साथ उस दिन मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ रही थी, आराम से, बिल्कुल आराम से पढ़ रही थी, और मम्मा पापा बाहर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि गेट बंद कर लो एक बार, तो मैंने कहा कि मम्मा बस मेरे 2 वर्ड्स ही रह गए इंग्लिश के और उससे मेरी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं अभी के अभी गेट बंद कर देती हूँ। सो मैं अपने 2 वर्ड्स लिख ही रही थी कि बस फर्स्ट वर्ड हुआ, सेकेंड वर्ड हुआ, मैंने अपने पैर नीचे रखे, बस टाइम ही देखा था, वो 10:33 का था। तो क्या वो, मैं बस उठ ही रही थी कि वो दोनों जो अंकल थे, जो चोर थे, वो अंदर आ गए और उन्होंने मेरे पे सीधा गन रख दी, गन पॉइंट की, कि अगर जरा सा भी चिल्लाई तो फिर मैं शूट कर दूंगा। रोहतक पुलिस बदमाशों को ढूंढने में कामयाब रही। ये वही 2 बदमाश हैं जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। 22 अगस्त के ये शाम के रात के 10 और 11 बजे का वकवा होगा कि जो मानसरोवर एक कॉलोनी पड़ती है हमारी, इस कॉलोनी के अंदर छोटी बच्ची घर में अकेली थी, उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए थे। रात को पिस्टल लगाकर 2 आदमी अंदर आए, उन्होंने घर से मोबाइल, जो स्नैचिंग मोबाइल और जेवरात और कुछ चांदी और कुछ रुपए, वो मोबाइल उसके पिस्टल पॉइंट के ऊपर उसे ले गए थे। जो अब इसके बाद इसमें SP रोहतक राहुल शर्मा ने एक टीम तैयार की थी CIA 3 की अध्यक्षता में, तो उसमें जो है इन्होंने जो है कल जो लड़के राउंड अप करे हैं इसमें, और इसमें 2 लड़के जो हैं मेन जिनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, अमित और रमन, ये 2 लड़के हैं, दोनों फिलहाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और तीसरा में एक आर्मी में एक मुलाजिम है कोई, उसके जबलपुर में उसकी पोस्टिंग है, कुलदीप नाम का है, उसके उसमें इन्वॉल्वमेंट आ रही है कि रैकी वो किया करता था, उसकी फ़िलहाल हम उसकी तलाश के लिए उसको भेज दिए टीम हमने यहाँ से। और इनमें एक चोरी की, एक मोटरसाइकिल जो दिल्ली से चोरी की थी उस पर ये वारदात किया करते थे। और इसके बाद इन्होंने एक जनता कॉलोनी के अंदर जो है 23 तारीख को भी इन्होंने किसी को वहाँ कुंडी को नोक करके वारदात करने की कोशिश की थी, वहाँ अटैम्प्ट किया, और इसमें फिर हमारे एविडेंस सामने आई थी तो मुखबरी के आधार पर जो हमने इन्हें काबू कर लिया, फिलहाल इनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके इनको कल रिमांड वगैरह लिया जाएगा और अगली कार्रवाई होगी। ये एक भिवानी का रहने वाला है और एक हमारे रोहतक, ये घर की रैकी कर रहे थे 2 दिन से लगातार। पहले से रैकी करने के बाद इन्होंने देखा कि इस टाइम शाम को घूमने जाते हैं घर पे कोई नहीं मिलेगा, बच्ची थी उधर, बच्ची घर पे नहीं गई, इन्होंने बच्ची को काबू कर लिया पिस्टल लगा। जैसे ही बच्ची की माँ घर पर पहुंची, उन्होंने बच्ची को बाहर लोगों के बीच देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। आए तब डॉक्टर बाहर थी, सब गली वाले मोहल्ले वाले बाहर खड़े हुए थे और ये सब मिला सर, जो सरप्राइजिंग था बहुत, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मतलब हम कैसे गए हैं बेटी को छोड़ के और कैसे हमने उसको पाया है बाहर, मतलब खड़ी है लोगों के बीच में। एक्चुअली सर मेरी किसी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इनको डिहाइड्रेशन हो रहा था और मैं इनके लिए खाना लेके आई हूँ तो बोलते हैं मुझे ठंडा पानी दो, पानी दिया तो बोल रहे मेरा नहीं होगा पानी से, मेरे को तो कुछ सोडा नींबू पानी ऐसा कुछ दे दो कि नींबू डाल के, मैंने कहा लिमका ले आती हूँ, बोलते नहीं, और देखा तो शॉप भी बंद थी साइड में, तो फिर ये चलो हम चलते हैं 2 मिनट के लिए, बस इतना ही निकले थे कि यहाँ तक जाएंगे और फिर वहाँ कुछ नहीं मिला तो थोड़ा आगे चले गए, ऐसे ऐसे करके हमें 20-25 मिनट लग गए। सर जितना भी गोल्ड था मेरा, 9-10 तोले का गोल्ड था, वो सब चला गया है। बच्ची ने सूझबूझ और बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों का सामना किया। उन्होंने मुझे कहा कि जहाँ जहाँ पे भी अब हमने हाथ लगाया है वो सारा साफ कर, तो उन्होंने मुझे कपड़ा भी लेने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने कहा कि यहीं साथ में मेरी एक फ्रॉक और पड़ी हुई थी तो उन्होंने कहा कि बस वही ले ले और उसी से साफ़ कर, तो मैंने उसी से साफ़ किया जो भी जहाँ पे भी उन्होंने हाथ लगाया था, लेकिन मैंने सारा साफ़ नहीं किया कि पुलिस को उनके फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे तो वो पकड़े जाएंगे, तो इससे मैंने सारा साफ़ नहीं करके बिल्कुल धीरे धीरे मतलब करती गई, मैं इतना नहीं किया उनको, सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं साफ़ कर रही हूँ, मैंने थोड़ा सा कर दिया एक आधी जगह पे। ये आइडिया मेरे को आया नहीं, ये मैंने अपने फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ा था इंग्लिश लिटरेचर की बुक में कि एक लेडी थीफ थी, वैसे वाला एक चैप्टर था, तो उसके अंदर मुझे ये पता चला कि फिंगरप्रिंट से पुलिस को वो सब मिल जाते हैं, जो क्लूज होते हैं वो मिल जाते हैं तो वो पकड़े भी जाते हैं, तो डैट्स वाई मैंने नहीं किया साफ़।